हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और आज हम पढ़ेंगे 12 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 11 फरवरी। प्रत्येक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। और पंडित दीनदयाल जी का जन्म मथुरा जिले के नगला चंद्रभान में हुआ था और 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इनकी पढ़ाई कानपुर में हुई थी। कहाँ पर इनकी पढ़ाई हुई थी? पूरी कानपुर में। और 7 वर्ष की उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हो रहा है या आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है 20वां संस्करण, जिसकी मेज़बानी कर रहा है भारत देश। कौन सा देश? भारत देश इसकी मेज़बानी कर रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2030 तक, कब तक? 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी रीयूज वाली ऊर्जा से 450 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 फरवरी दो दिन यह कार्यक्रम चलेगा। कौन सा? विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस सम्मेलन में कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का रास्ता जलवायु न्याय से होकर ही गुजरता है, यानी कि हमें जलवायु के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। और यह सम्मेलन 10 से 12 फरवरी 2021 से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। और इसमें इस कार्यक्रम का विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। क्या इसका विषय जरूर याद रखिएगा? सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के फ्लैगशिप इवेंट के अनुसार यह वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 20वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 20वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। और मैंने कल एक क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था, उसका सुधार कर लीजिए। वॉर ऑन ड्रग्स अभियान, यह मैंने बताया था कि उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। यह उत्तराखंड नहीं, मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। कहाँ? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मेडिकल से संबंधित सारी डिवाइसेस, पीपीई किट वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर बनेगी। यह कहाँ बनाया जा रहा है पार्क? नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? यह 16,000 करोड़। कितने रुपए? 16,000 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो फसल का बीमा होता है, यानी कि आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल नष्ट हो जाती है, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए 2021-22 के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित या देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और यह किसने कहा है? केंद्र सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया? यह किया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू, और 5 अगस्त 2019 कब? 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर एक अलग ही राज्य हुआ करता था। 370 अनुच्छेद के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि यहाँ पर विधानसभा का कार्यकाल भी है 6 वर्ष का होता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से यह सारा सब कुछ समाप्त करके, 370 अनुच्छेद को समाप्त करके इसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग, तो लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू। और जम्मू कश्मीर के अभी प्रेजेंट टाइम पर उपराज्यपाल है, कौन है? मनोज सिन्हा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो केसर जम्मू कश्मीर में ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के द्वारा लालंदर शहतूत बांध कहाँ बनाया जाएगा? तो यह अफगानिस्तान में बनाया जाएगा भारत के द्वारा बांध। तो अफगानिस्तान में एक काबुल नदी है, वहीं पर यह बांध बनाया जाएगा अफगानिस्तान के लिए। तो अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और यहाँ पर मुद्रा चलती है अफगानी। यहाँ पर राष्ट्रपति है अशरफ गनी, कौन है? अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला अब्दुल्ला। और भारत और अफगानिस्तान, 1947 के पहले जो भारत और अफगानिस्तान था, इन दोनों देशों के मध्य एक डिवाइडेड लाइन थी, उस लाइन का नाम है डूरंड लाइन। क्या है? डूरंड लाइन। और अब वह लाइन चली गई है कहाँ? पाकिस्तान के पास। और भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती 106 किलोमीटर, कितनी? 106 किलोमीटर। अब और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो डिवाइडेड लाइन है उसका नाम है रेड क्लिप लाइन, और चीन और भारत के मध्य जो डिवाइडेड लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो आप इन्हें तीनों लाइनें को याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर? कर्नाटक की राजधानी, आईटी सिटी जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन कंपनियाँ या फिर ऑनलाइन से संबंधित जो भी है वह सारी कंपनियों का हेडक्वार्टर यहीं पर मिलेंगे आपको, कहाँ? बेंगलुरु में। तो यह राष्ट्रीय बागवानी मेला प्रारंभ किया जा रहा है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, और कर्नाटक में मुख्यमंत्री हैं पी एस येदुरप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात करेगी? तो यह भारत की सेना तैनात करेगी। भारतीय सेना ने 2 कुत्तों को ट्रेन किया है, वह यूरिन और पसीने को सूंघ कर, किसे? यूरिन और पसीने को सूंघ कर कोविड-19 का पता लगाएंगे। तो यह ऐसा करने वाला भारत देश विश्व में पहला देश बन चुका है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और नई दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था 1911 में। 1911 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया भारत की, और 1927 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया भारत की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दें। और कोविड-19 के जो टीके अभी लगाए जा रहे हैं कई देशों को भारत ने प्रोवाइड किए, जैसे कि दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, मलेशिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ऐसे कई देशों को अभी कोविड-19 के टीके उपलब्ध करवा रहा है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना मुख्य वित्तीय कार्य अधिकारी नियुक्त किया, यानी कि CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? तो यह किसे नियुक्त किया? तो जितेंद्र चोपड़ा जी को अभी यह नियुक्त किया। तो अब देख लेते हैं, तो यही है जितेंद्र चोपड़ा जिनको अभी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है इंडिगो ने। किसने? इंडिगो ने इन्हें CFO नियुक्त किया। इंडिगो यह एक एयरलाइन कंपनी है, और इसकी स्थापना की गई थी सन 2006 में। कब? 2006 में। और इसका संचालन प्रारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2006 से।
और इसका मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा गुड़गांव में। इसके प्रमुख लोग हैं कौन है इसमें, फाउंडर यानी कि इसके संस्थापक है राकेश गंगवाल। कौन है? राकेश गंगवाल। और प्रेजेंट टाइम पर इसके राहुल भाटिया इसके फाउंडर एंड MD है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंसी कौल जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक थिएटर निर्देशक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है बंसी कौल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और यह पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके थे और यह थिएटर निर्देशक थे जिनका भी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो यदि आप हमारे चैनल ITI गोल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर की क्लास और वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और यदि सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।